तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं वहां और मैं बस से उतर रही हूं। और क्या बताऊं, दो बस है हमारी गई थी और लगभग सब कोई उतर गए हैं। और धूप तो इतनी तेज़ है कि आप पूछो मत, धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आप सबको तो भी पता चल गया होगा कि हम आए हैं जंगल सफारी रायपुर के। तो सर, हम सभी को लेके आए हैं पूरे स्टूडेंट शैक्षणिक भ्रमण 2023। तो सबको लाइन से लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सारे गर्ल्स और बॉयज़ हैं, पूरा ग्रुप गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है और फुल फन होने वाला है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप देख सकते हैं सब कोई लाइन से लगे हुए हैं, फ़ोटो क्लिक हो रहा और अब सब जंगल सफारी के अंदर जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो का फुल मज़ा लीजिए, आगे बहुत कुछ है देखने के लिए, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। अचार सर सबको आगे आगे भेज रहे हैं, तो अब हम चल दिए हैं। तो यहाँ से हमारी जंगल सफारी की यात्रा चालू हो गई है, तो एंजॉय वीडियो। तो आप देख सकते हैं सभी का सेल्फीज चालू हो चुका है, सब इकट्ठा हो चुके हैं कि सर का वेट करें, कि कुछ लोग पीछे रह गए हैं। तो बस अब सबका सेल्फी मोमेंट चालू हो चुका है, कोई पिक ले रहा है, कोई ऐसे खड़े हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के टाइगर बॉय से मिलवाती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं टाइगर बॉय के नाम से। तो ये रहा उनकी प्रतिमा, बना दी गई है टाइगर के साथ। तो चेंद्रू इनका नाम है, द टाइगर बॉय कहते हैं छत्तीसगढ़ का। और इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि मैं आपको फिर कभी फुर्सत से बताऊंगी। ये उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पुश करके अगर आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं, नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो अभी तक तो आपको पता ही चल गया है। और आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल और सुंदर सा ये जंगल सफारी है, हर तरह इसकी हरियाली और इसका जो व्यू है, नेचर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो जंगल सफारी है, इसको नंदन वन जंगल सफारी, ये 800 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और आपके एयरपोर्ट से ये 15 किलोमीटर पड़ता है स्वामी विवेकानंद से, और अपने रेलवे स्टेशन से ये 35 किलोमीटर है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको एक बार मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा नया रायपुर नंदन वन जंगल सफारी। तो मेरे सारे फ्रेंड लोग देख रहे हैं आप कैसे घूम रहे हैं, और मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मेरा तो काम ही है वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। सेल्फी तो मैंने उतनी ज़्यादा ले नहीं पाई, बट वीडियो में सारी जगह कवर है, तो आई लाइक दिस। और ये देख सकते हैं अब छोटा सा पोर्ट है जिसमें कमल के फूल बहुत ही सुंदर हैं, ऑरेंज है, पिंक है, पर्पल है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कितना ही बड़ा एरिया है और बहुत सुंदर है, देखने में इतना सुंदर है कि मतलब। पर हम लोग गए हैं बहुत अच्छा तो है, पर धूप बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बट अच्छा था। तो आप देख सकते हैं सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, सबको अच्छा लग रहा है, और सर की वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कान। आप देख सकते हैं भैया बहुत अच्छे से हंसते हुए घूम रहे हैं, घूमने का मज़ा ले रहे हैं। तो बस अब हम घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। ये हाँ मैं और ये हमारे और यहाँ घूमना। तो बहुत ही अच्छा ये जंगल सफारी है, इसके चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा है। और जब से आए हैं तब से चले जा रहे हैं, अब हम यहाँ आ चुके हैं। जंगल सफारी का बोटिंग हॉल है ये, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे जंगल सफारी जू जाने के लिए यहाँ की जो वैन होती है। अब देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है, जो जहाँ की संजीवनी बुटीक लगी है, देख सकते हैं आप क्लिनिक बना हुआ है, बहुत अच्छा ही है। और इधर साइड में, इस साइड में कैंटीन है। अब सब कोई वैन में बैठ के जाएंगे जंगल सफारी जू, और उसके साथ फिर घूमना स्टार्ट होगा। तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब कोई इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, इस ट्रिप को। तो ये सेकेंड अनुभव रहा है मेरा कोचिंग के साथ, तो आई लाइक दिस व्यू। तो आ चुकी है ये बस, अब हम इसमें चढ़ के करेंगे जंगल सफारी।
जू का गेट और अब हम यहाँ सब कुछ उतरेंगे। चलो गाइस जल्दी चलो गाइस फास्ट फास्ट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, गर्ल्स की बस तो यहाँ पहुँच चुकी है जू के पास, बस बॉयज़ की बस आनी है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो हम सारी गर्ल्स छाया में खड़े होकर बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं और आगे भी अभी बच्चा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।